पंजाब कृषि विभाग के दिशा निर्देशों पर जिला श्री मुक्तसर साहिब के कृषि विभाग की ओर से जिला स्तर पर किसान जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अजय सिंह भट्टी ने रिबन काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में किसानों को सवनी और हाड़ी की फसलों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई और किसानों को झाने की पराली को ना जलाने के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि किसान सूबे का सरमैया होता है, इसलिए पंजाब सरकार किसानों की खुशहाली के लिए हर संभव जतन कर रही है। और उन्होंने के इस किसान मेले के बारे में कहा कि इस किसान मेले में किसानों को अच्छी फसल पैदा करने की जानकारी मिलती है। इस मेले में पहुंचे किसानों ने कहा कि कृषि विभाग की ओर से लगाए जा रहे इन मेलों में फसलों के प्रति और फसलों उजारों की अच्छी जानकारी मिली है, इसलिए ऐसे मेले समय समय पर लगने जरूरी हैं। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए गिदड़बाहा से सोनी धल्ला की रिपोर्ट। किसी ने भी कदे कोशिश नहीं की थी कि जिड़ी चीज़ नूं असी इनपुट पाया वह आउटपुट लईए, जे लोगों नूं बिजली प्रोवाइड की है तो उसकी रिकवरी करिए। खास करके अपने इस जिले के जिथे कि ज़्यादा बादल साहब अपना समझे भी मेरा आधार है, इतने सब तो वध लोगों के बिजली के बिल पेंडिंग है। और असी अपील करते हैं लोगों कि जे सही ढंग न रेगूलर सारा सिस्टम आप चलाना तो आपको सारे रल के जतन करने पैने, क्योंकि अजक नवी तकनीक की खेती रहेगी, बहुत सारिया नवी गल् आ जाए। उस जोड़े लैक्चरार है वो अपनी गल दस के जाते हैं, नवे बीया बारे नवी इंसैक्टीसाइड ज होर भी ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ।